मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जिनकी एक बीच पर पार्टी चल रही थी। इनकी पार्टी इतने मजे से चल रही थी कि ये किसी और चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब इनको दोस्तों बीच पर पार्टी करते वक्त क्रीपी सी चीज मिलती है, कुछ अजीब सी चीज जो एक अंडे की तरह था। ये लोग उसको तोड़ देते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फिर से अब सीन चेंज होता है और एक मॉर्निंग का सीन आता है जहाँ पर हम लोग कैली को देखते हैं। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में उठते ही एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक लड़की से कहते हैं कि अब तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि वो लड़की लेट नाइट इतनी पार्टी हार्ड कर रही थी कि वो अपनी ड्रेस ही उसने उतार दी थी और वो नेक सो गई थी। अब उसको उल्टी होने लगती है और यहाँ पर हम कैली को देखते हैं जो कि सैंड में देख रही थी कि एक जानवर को यानी कि एक पक्षी को वो सैंड अपने अंदर खींच रही थी। वो यहाँ पर कैली उस लड़की से मना करती है कि पैर नीचे मत रखना, वो लड़की उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो भी परेशान थी अपनी बीमारी के कारण, तो वो पैर नीचे रख देती है और देखते ही देखते उसको ना कुछ चीज सैंड के अंदर से उसके पैर को जकड़ लेती है। देखते ही देखते दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वो जो चीज होती है यहाँ पर उस लड़की को अपने अंदर खींचने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का होता है जो बिना कुछ सोचे समझे लड़की की हेल्प करने के लिए जाता है और वो ये नहीं देख पाता कि इस सैंड के नीचे कुछ है। वो चीज उस लड़के को भी पकड़ लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैली एक लड़के से कहती है यानी कि जिसका नाम रोनी होता है कि कार स्टार्ट करो, पर उसकी कार भी स्टार्ट नहीं हो पाती। यहाँ पर हम मिच को देखते हैं जो कि उस लड़के की हेल्प करने के लिए एक रस्सी फेंकता है, वो भी कुछ काम नहीं आती क्योंकि वो जो जानवर था उस सैंड के नीचे वो उस लड़के के एक एक बॉडी पार्ट को खींच रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखते देखते कुछ ही सेकंड में उस लड़की की जो बॉडी थी धरती के अंदर चली जाती है। ये लोग दोस्तों इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। ये लोग ये सोचने लगे थे कि लेट नाइट तो इन्होंने यहाँ पर पार्टी करी थी, तो अब क्या हो गया, क्योंकि रात को भी इन्होंने इसी बीच पर पार्टी करी थी, अब सुबह भी ये इसी बीच पर है, रात को तो इन्हें कुछ नहीं हुआ, अब ये सुबह क्या हो रहा है। अभी लोग दोस्तों बहुत ज्यादा पैनिक में थे। यहाँ पर जो कैली होती है वो सैंड के ऊपर अपना हाथ लगा के चेक करती है तो वो देखती है कि कुछ टेंटिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं जो कि वो जानवर के हैं। हम यहाँ पर अब गिलबर्ट को देखते हैं जो कि एक ब्लैक आदमी था, वो एक टिन के अंदर फंस गया था क्योंकि वो रात को पार्टी कर रहा था, उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। अब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को टिन के अंदर पाता है और वो बहुत ज्यादा दर्द में था। वो उन लोगों से हेल्प की एक मदद कहता है पर वो लोग उसको सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि हम तुम्हें नहीं निकाल सकते अभी। अब यहाँ पर वो लड़का गिलबर्ट से कहता है कि 2 घंटे में हेल्प आ जाएगी, तुम सब्र रखो। अब यहाँ पर कैली गिलबर्ट को ऊपर लेकर जाती है और उसे पूछती है कि तुमने गिलबर्ट से झूठ क्यों बोला। वो उसको बताता है कि अगर मैं उसे झूठ नहीं बोलता तो वो अपना दर्द नहीं सह पाता और वो हिलता डुलता तो वो जानवर उसको खा जाता। अब ये लोग अपने सारे दोस्तों को भी बताते हैं कि कुछ ही देर में हेल्प आ जाएगी। अब दोस्तों ये लोग उनकी बातों से इतने परेशान हो गए थे और वो एक दूसरे को गाली देने लगते हैं और सबसे ज्यादा मिच को, क्योंकि मिच का ही आइडिया था यहाँ पर आने का। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों गिलबर्ट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी सूरज ने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो सूरज था, गिलबर्ट को प्रॉब्लम थी स्किन बर्न की और सूरज से उसकी जो स्किन थी वो जलती थी। वो इन लोगों से बॉडी लोशन मांगता है तो वो लोग उसको बॉडी लोशन देते हैं जिससे गिलबर्ट को थोड़ा आराम पड़ता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को वही अंडा दिखता है जो इनको पिछली रात मिला था और इनको ये अंदाजा हो जाता है कि वो जानवर इसी अंडे में से निकला है जो हमारे सैंड के नीचे है। अब यहाँ पर कैली उसके रेंज को टेस्ट करने के लिए यानी कि वो कितना बड़ा है, एक सॉसेज को उस जानवर की तरफ फेंकती है जिससे इन लोगों को पता पड़े कि वो कितना बड़ा है। अब ये उसको थोड़ा दूर फेंकती है और देखते हैं कि उसके जो टेंटिकल्स है उस जानवर के वो सॉसेज को पकड़ रहे हैं, यानी कि वो जानवर जो है वो बहुत बड़ा है। और अब या तो कोई चमत्कार इन लोगों को बचा सकता है क्योंकि वो लोग अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जोना एक आइडिया कहती है और कहती है कि अपने दोस्त को कि तुम सर्व बोर्ड से क्यों ना एक पुल बनाओ और दूसरी तरफ जाओ जिससे कि तुम यहाँ से बाहर निकल सको और हमारे लिए हेल्प ला सको। अब यहाँ पर रोनी जो है वो सर्व बोर्ड के ऊपर से जाता है पर वो सर्व बोर्ड जो था वो फिसलने लगता है जिसके कारण वो टेंटिकल्स रोनी के ऊपर हमला करते हैं और उसके पेट पे जख्म कर देते हैं, पर रोनी भी हार नहीं मानता और फाइनली वो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि उन टेंटिकल्स ने उसके जो पेट था उसकी बुरी हालत कर दी है और वहां पर छाले आ गए हैं। ये लोग रोनी से कहते हैं कि तुम पैनिक मत हो, उस बैग में कुछ खाने का सामान है, तुम वो खा लो। रोनी को वहां पे एक केला मिलता है जिसको वो खाता है तो उसे उल्टियां लग जाती हैं। अब दोस्तों इनके दोस्तों को पता पड़ गया था कि अब रोनी तो मरने वाला है क्योंकि उन लोगों को रोनी के अंदर मरने के सिम्टम्स दिख रहे थे, क्योंकि रोनी के जो छाले थे वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। लोग रोनी से उस बैग को मंगाते हैं जिसके अंदर खाना था तो रोनी उस बैग के सामान को एक एक करके फेंकता है, पर फेंकने की वजह से जो खिंचाव आ रहा था उसके पेट में उसके कारण उसके छाले और बढ़ रहे थे और उसे और ब्लीडिंग हो रही थी। अब यहाँ पर रोनी जो है वो अपने दर्द के कारण वहीं पर ही उस टेबल पे लौट जाता है और हेल्प का वेट करता है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो जोना नाम की लड़की थी उसको याद आता है कि उनके जो सेलफोन्स थे वो मिच ने उन्हीं की कार के डिग्गी में रखे थे। अब वो उस डिग्गी में कोई खोलने की कोशिश करती है पर वो खोले भी कैसे, क्योंकि वो नीचे तो उतर नहीं सकते और वो अपनी कार से खोलने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि वो खुल तो रही है पर वो पूरी नहीं खुल रही। तो जैसे वो उसे खोलते हैं तो वहाँ पर जोना के पैर अटक जाते हैं। यहाँ पर जो ब्लैक लड़की होती है वो जोना से हेल्प करने की कहती है और उसे कहती है कि तुम टावल पकड़ो और मैं टावल पकड़ती हूँ और एक साइड तुम पकड़ो। अब वो लोग टावल से उसे करने
की कोशिश करते हैं पर तब भी दोस्तों बात नहीं बनती क्योंकि वो डिग्गी पूरी नहीं खुल पाती। जोना के पैर उस डिग्गी में अटक जाते हैं। यहाँ पर कैली एक डंडा लाती है जिससे वो कहती है कि इसे कोशिश करो, पर दोस्तों उस डंडे से भी बात नहीं बन पाती। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तभी एक शेरिफ आ जाते हैं जिससे कि जोना का जो ध्यान था वो भटक जाता है और वहाँ पर फिसल जाती है, जिसके कारण उसका जो हाथ था वो वही डिग्गी में फंस जाता है। दोस्तों वो अपने पेन के कारण रो रही थी। अब हम लोग देखते हैं कि शेरिफ जो थे वो उधर पहुँच चुके थे। अब वो लोग उस शेरिफ को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हेल्प लेकर आइए, आप अकेले इधर मत आना। पर शेरिफ उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने ड्रग्स कर रखी है। पर शेरिफ उनकी बात को मान लेते हैं फाइनली और उस बीच के ऊपर पैदल चल के आते हैं, जिसके इससे कि ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर शेरिफ उस लड़के के पास जाते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शेरिफ यहाँ पर दोस्तों गिलबर्ट की भी हेल्प करते हैं, पर वो गिलबर्ट से कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं निकाल सकता, मेरी टीम तुम्हारे लिए हेल्प के लिए पहुँच रही है। अब यहाँ पर दोस्तों शेरिफ जोना को भी निकालने की कोशिश करते हैं पर शेरिफ से जोना अकेले नहीं निकल रही थी। अब ये लोग दोस्तों शेरिफ को बताते हैं कि आप हमारी बात को मान क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि सैंड के नीचे एक बीस्ट है जो आपको भी खा सकता है किसी भी पल। पर दोस्तों शेरिफ जो थे वो उनकी बात को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर अब कैली शेरिफ से कहती है कि आप अपने फ़ोन से एक कॉल करिए ताकि हमारी हेल्प यहाँ पर आ सके। शेरिफ अपने कॉल निकालते हैं, यानी कि अपना फ़ोन निकालते हैं अपनी जेब में से। हम देखते हैं कि जैसे वो अपना फ़ोन को निकाल रहे थे उनकी जेब से चाबी नीचे गिर जाती है। जैसे वो उस चाबी को नीचे से उठाते हैं हम लोग देखते हैं कि उनका जो हाथ था वो दोस्तों उस मिट्टी में फंस चुका था, यानी कि उस सैंड में फंस चुका था। और जो वो टेंटिकल्स थे वो शेरिफ के हाथों को जकड़ रहे थे। अब देखते ही देखते दोस्तों कुछ ही पलों में वो टेंटिकल शेरिफ के आधे हाथ को निकल चुके थे। तब यहाँ पर कैली शेरिफ को पेपर स्प्रे देती है जिससे कि वो जो टेंटिकल्स थे वो शेरिफ के हाथ को छोड़ देते हैं, पर यहाँ पर उनको जो अपना आधा हाथ था वो गंवाना पड़ा था। यहाँ पर कैली शेरिफ उस पेपर स्प्रे को ले लेती है और शेरिफ की जो पूरी डेड बॉडी थी वो सैंड के अंदर चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मिच को एक आइडिया आता है, तो वो उस रेलिंग से लटक जाता है और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर रेलिंग मजबूत नहीं थी और यहाँ पर जो मिच था वो नीचे गिर जाता है। और उसके नीचे गिरने की वजह से वो सारे टेंटिकल्स उसका खून चूसने लगते हैं और कुछ ही पलों में मिच भी उस सैंड के अंदर चला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों गिलबर्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेन में था। अब यहाँ पर जो कैली जो होती है वो अपनी ब्लैक फ्रेंड से कहती है कि जो तुम अपनी भी रेलिंग लाओ और मैं अपनी लाती हूँ, और हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सक्सेसफुली जो कैली थी वो दूसरी तरफ पहुँच चुकी थी। अब यहाँ पर कैली और उसकी ब्लैक फ्रेंड अपनी फ्रेंड जोना का हाथ निकालने की कोशिश करती हैं, और जैसे यहाँ पर कैली जोना का हाथ बाहर निकालती है वो देखते हैं कि जोना का जो हाथ था उसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और वो वहाँ पर उस टावल को जोना के हाथ पे लपेट देती है जिससे कि उसकी जो ब्लीडिंग थी वो रुक जाए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो गिलबर्ट था उसके पेट से भी ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि वो बहुत देर से फंसा हुआ था, और जो टेंटिकल जो थे दोस्तों वो उसके ब्लीडिंग की होने की वजह से गिलबर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यहाँ पर कैली और उसकी फ्रेंड उस रेलिंग से एक रास्ता बना रही थी जिससे कि वो जोना की तरफ, जोना के फ्रेंड रोनी की तरफ जा सके, और वो वहाँ पर जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कैली और उसकी ब्लैक फ्रेंड तो निकल चुकी थी, अब लास्ट में बची थी जोना। अब क्योंकि उसके हाथ में ब्लीडिंग हो रही थी और वो टेंटिकल्स भी उस ब्लीडिंग की वजह से अट्रैक्ट हो रहे थे, तो जोना अपना बैलेंस नहीं बना पाती और वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि उस ब्लीडिंग की वजह से जो टेंटिकल्स थे वो जोना को भी कुछ ही पलों में अपने अंदर समा लेते हैं। अब देखते हैं कि जो टेंटिकल्स थे वो यहाँ पर गिलबर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और उसको जो टिन था जिसमें वो फंसा हुआ था वो उसमें अटैक कर देते हैं। अब जो वहाँ पर ब्लैक लड़की होती है वो अपने पैरों में कुछ बांध के शेरिफ की कार पर चढ़ जाती है, जिससे कि उसे लगता है कि उसकी जान बच गई। हम देखते हैं कि जो वो टेंटिकल्स थे वो यहाँ पर गिलबर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको अपने साथ धरती के अंदर ले जाते हैं, जिससे कि वो मर जाता है। अब इसके बाद दोस्तों क्योंकि उन टेंटिकल्स का साइज बड़ा हो चुका था, वो यहाँ पर एक अर्थक्वेक लाते हैं छोटा सा, जिसके कारण जो वो लड़की थी यानी कि ब्लैक लड़की वो यहाँ पर उस शेरिफ की कार के ऊपर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब रात होती है। अब जैसे उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो उसे दिखता है कि अब रात हो चुकी है और ये लोग अभी भी मिच के दोस्त के पास बैठे हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो टेंटिकल्स थे उनका जो साइज था वो ओवर साइज हो चुका था, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। हम देखते हैं ये लोग जो टेंटिकल्स थे लोगों के ऊपर हमला करते हैं, और यहाँ पर जो कैली थी उसको एक गैसोलीन टैंक मिलता है, वो उस टैंक से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है पर किसी तरह से बच जाती है। अब वो अपने आप को बचाकर उस गैसोलीन टैंक को अपनी कार के चारों तरफ डाल देती है, जिसके कारण उस टेंटिकल्स में आग लग जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैली अपनी कार के अंदर चली जाती है, पर वो टेंटिकल्स उसका पीछा नहीं छोड़ते, डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं पर कैली उसको क्लोज करने में सफल हो जाती है। वो टेंटिकल्स अब छोटे होने लगे थे, अब ये लोग उस कार में सो जाते हैं। सुबह होती है, ये लोग उस बीच के कोस्ट गार्ड को देखते हैं। अब यहाँ पर जो कैली थी वो डर डर के उस बीच के ऊपर कदम रख रही थी, पर अब दोस्तों वो लोग बिल्कुल सेफ थे क्योंकि वो जो टेंटिकल्स थे वो मर चुके थे। ये लोग दोस्तों अपनी जान को किसी तरह से बचा के उस एरिया से बाहर आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो रोनी था वो मर चुका था, और जो वो
बीच था वो अब उस बीच को छोड़ के एक शहर की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।